फिल्म क्या होती है नॉर्मली, ये प्रोजेक्टर है आपके सामने, राइट, स्क्रीन है, ये ऑडियो लगा हुआ है, फिल्म, ऑडियो विजुअल मीडियम, ऑडियो एंड विजुअल, जिसमें कि विजुअल्स भी आते हैं और ऑडियो भी आते हैं। फिल्म मेकिंग में क्या कि हम लोग इसी चीज़ को बनाते हैं, ऑडियो विजुअल के पार्ट्स को बनाते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप इस वक्त मोबाइल फ़ोन्स लेके बैठे हुए हैं, इसमें को जो भी चीज़ आप देखते हैं वो फिल्म मेकिंग का पार्ट है। इवन द न्यूज़ भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट, एक एंकर होता है, जैसे कि मैं बैठा हूँ आपके सामने विद माइक, रिकॉर्ड हो रहा है ना सामने सब, एक फिल्म मेकिंग की ही चीज़ चल रही है, आप लोगों ने सेट किया है, आप लोगों को ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये क्या है, टू कैमरा सेटअप है, राइट, इसी चीज़ को सीखने के लिए आप लोग आए हैं, राइट। कुछ लोग एक्टिंग 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 ये था एक्टिंग, आप बिल्कुल दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, जो अजय देवगन कर रहा है, ये क्या है, एक्टिंग हुई ना। अच्छा, ओके, अरे यार वो एडिटर था, राइट, सो फिल्म मेकिंग। अच्छा, ये आती कैसे, जैसे आप लोगों ने सोचा मन में कैसे आया, हमारे में सबसे ज़्यादा एज में ये हैं, आपके मन में कैसे आया? मैं तो फोटोग्राफर हूँ। आप राजू भैया हैं क्या? राजू दादा मैं फोटोग्राफी करता हूँ और मैंने इंटीरियर्स किए हैं, प्रोफेशनल मतलब कमर्शियल किए हैं, इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर वगैरह। ओके, अब आप सिनेमेटोग्राफी में जाना चाहते हैं? हां, क्योंकि हां मुझे इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि उसमें मुझे लगता है ज्यादा एवेन्यूज हैं स्टोरी टेलिंग के। तो फोटोग्राफी तो स्टैटिक मीडियम है, दूसरा बहुत डिफरेंट स्टिल है पूरा का पूरा, और इसमें मुझे काफी इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें साउंड भी है। हां, और साउंड के साथ-साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप दिखा पाओ लोगों को, राइट। फिल्म मेकिंग में हम लोगों को क्या क्या होती है, आपके एक्टिंग है ना, सबसे पहले आपको एक चाहिए, आप ही के अंदर एक डायरेक्टर भी है, राइट, डायरेक्शन, फिर ये बंदा चाहिए होता है सिनेमेटोग्राफर, जो डायरेक्टर की स्टोरी को कैमरे पे लेके आता है विजुअल्स के थ्रू, राइट, और वो जो कैरेक्टर किए हैं तो उनका क्या है, एक्टर चाहिए होगा, राइट, और इन सब को जब हम लोगों ने शूट कर लिया तो कौन होता है, नीड एडिटर, पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, और जो हमारा ऑडियो है जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट करता है, कौन करता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, तो ये चार बंदे तो ज़रूरी हैं। ज़्यादातर आजकल हो क्या गया है कि ये DSLR जब से आया है तब से चारों हम ही हैं, है ना, और देहरादून में तो बिल्कुल ही है, रिकॉर्डिंग भी हम ही करते हैं, एडिटिंग भी हम ही करते हैं, और फिर पहले एक्टिंग भी हम ही करते हैं, ऑन करके हम ही आगे आ जाते हैं, ठीक है, और फिर देखते भी हम ही हैं, राइट, फिर हम देख के अपने ही दोस्तों को खुश होकर वहीं की वहीं रह जाती है। बट नाउडेज YouTube Vimeo ने आपकी थोड़ा सी रीच बढ़ा दी है, और फिर उसके बाद बढ़ गया हॉटस्टार, ठीक है ना, आपकी फिल्में अब हॉटस्टार पे भी आने लग गई है, शॉर्ट फिल्म्स यहाँ पे है कुछ फिल्में, मेरी श्वेत रक्त जो है वो आई हुई है हॉटस्टार पे, राइट, फिर वो MX प्लेयर पे आने लग गई हैं, अब शॉर्ट फिल्म्स का भी मार्केट आ गया है। जब मैं अपने फिल्म स्कूल से निकल के आया था, देर वॉज नो मार्केट फॉर शॉर्ट फिल्म्स, इवन जब मैं देहरादून में स्टार्ट किया था तब मुझ पर हंसते थे लोग, शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, राइट, एड फिल्म्स मार्केट में यहाँ पे जाते थे ना आपके सूचना विभाग में, वहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोला जाता है शॉर्ट फिल्म्स को, आज शायद बदल गए होंगे अब, क्योंकि सब समझने लग गए हैं, बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और वो थी क्या जो आपने देखी होगी, देखिए सिनेमा हॉल में जाकर, डेंगू की फिल्म, डेंगू के मच्छर दिन में पनपते हैं, वो ऐड आता है, हाँ हाँ आता ना, वो मेरा ही बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, वो डेंगू का मच्छर आता ना रात में, ढम ढम मरता उत्तराखंड के ऊपर आके, राइट, वो पहला ग्राफिक्स था जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी अकॉर्डिंग टू सूचना विभाग, राइट, तो टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। नाउडेज आप लोगों के पास एटलीस्ट टेक्निकल नॉलेज है, और आपने देखा होगा उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा लोग हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, ये मालूम है कहाँ कहाँ मालूम है, एक्टिंग में है, डायरेक्शन में है, एडिटिंग में काफी, एडिटिंग में भी काफी, सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में है और सिनेमेटोग्राफी में, मतलब बैक में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा,
क्योंकि मेरे सीनियर भी गबरियाल जो हैं वो उत्तराखंड को ही बिलोंग करते थे, और फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि हम उत्तराखंड ही कितने आ गए हैं वहाँ पर, और यहाँ जितने भी टीवी चैनल्स हैं नोएडा में बहुत हैं। AFT यूनिवर्सिटी जो हमारी रायपुर में है, लेकिन जो नोएडा में है उसमें मैक्सिमम लोग यहाँ के जाते हैं, पहाड़ी लोग, इसलिए वो यहाँ नहीं आते, वरना वो भी तो चाहते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, यहाँ पे अपना खोलते हैं। वो क्यों नहीं खोलते? क्योंकि यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं और वहीं के वहीं अब्जॉर्ब हो जाते हैं। नोएडा में आप जाएंगे तो पहाड़ी लोग बहुत मिलेंगे, राइट?